मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक डॉक्टर की बीच सड़क में जलकर मृत्यु हो गई, जिसके बाद कई सवाल प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी भोपाल में प्रशासन मदमस्त नींद सो रहा है कि हाईटेंशन लाइन सड़क पर मौजूद है, सड़क पर गिरी हुई है और किसी को होश नहीं है। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर है, बारिश के दौर में कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटना अगर अनजाने में हो तो उसे दुर्घटना कहेंगे, लेकिन अगर जानकर हो तो उसे दुर्घटना नहीं कहा जाएगा। और ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन से सामने आया, जहां पर बिजली की हाईटेंशन लाइन का वायर सड़क पर पड़ा हुआ था। शिकायतें की जा रही थी कि इस हाईटेंशन लाइन जो कि टूट कर सड़क पर गिर गई है, उसे हटा लिया जाए। बारिश का मौसम है, सड़कों पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है, ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन तो शायद से बारिश के मौसम का लुत्फ उठा रहा था, गहरी नींद सो रहा था, या हो सकता है चाय पकौड़ों का आनंद ले रहा हो, क्योंकि प्रशासन ने नहीं सुनी, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि इस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। दर्शकों को बता दें कि अशोका गार्डन के सुंदर नगर कॉलोनी में बिजली का तार सड़क पर टूटकर गिर गया, गड्ढे में पानी होने से सड़क पर करंट फैल गया, करंट की चपेट में आकर डॉक्टर की मौत हो गई है। डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के विरोध में लोगों का आक्रोश वहीं फूट पड़ा है। जैसा कि हम भारतीय खासतौर पर हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि दुर्घटना होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला जागता है, ऐसा ही कुछ होता यहां पर भी दिखाई दिया। मौके पर टीआई साहब पहुंचे और मामले की जांच करने की बात कही गई है। हालांकि जांच होते रहेगी, जांच का फैसला क्या आएगा ये नहीं पता, आखिर किसे इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल एक परिवार ने किसी अपने को खो दिया है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर सो रहा था, या यूं कहे कि प्रशासन को फिक्र नहीं थी। काफी शिकायतों के बावजूद भी इस हाई टेंशन लाइन को, इस टूटे हुए तार को नहीं हटाया गया था। इस पूरे मामले में दर्शकों को बता दें कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरीके से ये नंगा तार सड़क पर बिखरा पड़ा था, जिसके चलते सड़क पर करंट फैला और डॉक्टर की मृत्यु हो गई। इस मामले में प्रशासन जांच की बात कह रहा है, जांच होते रहेगी, फैसला आता रहेगा, लेकिन सवाल यही है कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश में आखिर प्रशासन क्या करता होगा। खबर भोपाल से आप तक पहुंचाइए सहयोगी रवीश पाल सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।